दोस्तों एटीएफ टेक में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आप लोग रेडमी 9 प्राइम को फैक्ट्री रिसेट या हार्ड रिसेट कैसे करें। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मोबाइल का स्क्रीन पर, आप लोग वीडियो को देखते रहें। आप लोग को सेटिंग का ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे यावाफोन जो है इसका ऊपर क्लिक करना है। इसका ऊपर जब क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए फैक्ट्री रिसेट, इसका ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों फैक्ट्री रिसेट करने से पहले आपका मोबाइल पे जितना डाटा है, फोटो से वीडियो है, आप लोग जो कुछ भी है आपका मोबाइल पे, आप लोग उसको पहले बैकअप कर लीजिए। मेमोरी कार्ड या आप लोग किसी कंप्यूटर या लैपटॉप में आप लोग पहले बैकअप कर लीजिए। बैकअप करने का बाद दोस्तों आप लोग इसको फैक्ट्री रिसेट कीजिए, नहीं तो आपका जितना डाटा है सारे डाटा चला जाएगा। उसका बाद दोस्तों आप लोग बैकअप करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों एरेसर डाटा, इसका ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों आप लोग अगर एमआई अकाउंट को ऐड करके रखा है तो आपको यहाँ पे एमआई अकाउंट का पासवर्ड डालना है। उसका बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे ओके कर दीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों 10 सेकंड लगता है आप लोग को यहाँ पे वॉट करना है। उसका बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे भी आप लोग को वार्निंग दे रहा है कि आपका जितना डाटा है आप लोग पहले बैकअप कर लीजिए, उसका बाद आप लोग फैक्ट्री रिसेट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ओके कर देने के बाद दोस्तों आपका मोबाइल जो है वो फैक्ट्री रिसेट हो जाएगा। तो आप लोग इसी तरह से रेडमी 9 प्राइम को फैक्ट्री रिसेट आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।